तो गुजरा हुआ ज़माने से जो पढ़ते थे हमें 9वीं जमात की टेक्स्ट बुक से जो कि नवाया उर्दू से, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसके में क्या हुआ था वो बूढ़े के साथ जो कि आखिर में जो है देखते हैं। यहाँ तक हो गया था तो बेहोश हो गया बोलकर यहाँ तक मैं रोक डाली थी, तो कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। उसके कानों में क्या आने लगी? मीठी मीठी बातें आवाज़ों की आने लगी। इसकी प्यारी माँ जो है इसके पास आ खड़ी हुई, जो कि प्यारी माँ आकर खड़ी इसको गले लगाकर इसकी बबली इसको इसका बाप इसको दिखाई दिया। छोटे छोटे भाई बहन जो है इसके गिर्द आ खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों बरस के बरस दिन रोता है? होकर पूछे तो क्यों तू बेखरार है, क्यों ऐसा बेखरार हो जा रहा है, किस लिए तेरी हिचकी बंद गई है, तेरी हिचकी क्या है बंद गई है? उठ मुँह हाथ धो ले, मुँह हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज की जो है खुशी मना, और तेरे भाई बहन तेरे मुंतजर खड़े हैं। तब वो लड़का जो है जागा, तब वो लड़का क्या हुआ जागा, और समझा कि मैंने ख्वाब देखा। तो इसने ख्वाब देखा था लड़के ने, और जब ख्वाब में बूढ़ा हो गया था, ख्वाब में क्या हो गया था वो बच्चा बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा हो जाने की वजह से जो है वो घबरा गया था। इसने अपना सारा ख्वाब जो है अपनी माँ से सुनाया, अपनी माँ से कहा, और उसने सुनकर जो है इसको जवाब दिया कि बेटा बस तो ऐसा मत कर जैसा कि पछताना नहीं चाहिए, बोलकर बोलते हैं ना वो, ऐसा करना को जैसा बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। तेरी दुल्हन क्या बोली थी इसमें, वही कर, वो बूढ़े के जैसा मत बन, बोलकर बोल रही है माँ, सलाह दे रही है। अब जो है ये सुनकर जो है लड़का क्या करा, लड़का पलंग पर से कूद पड़ा, निहायत खुशी से पुकारा के और यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है, अब जो है मेरी ज़िंदगी का है पहला दिन है, और मैं अच्छी तरह से छूम बुढ़ा नहीं हो गई हूँ। बोलकर जो है बच्चा क्या कर रहा है, उछल कर कूद कर जो है अपने आप को तसल्ली दे रहा है। तो इसके बाद इस बूढ़े की तरह ना पछताऊंगा मैं कभी भी, है ना कि इस बूढ़े की तरह नहीं पछताऊंगा, ज़रूर मैं उस दुल्हन की ब्याह होगा तो दुल्हन के जैसा बोले थे वैसा करूंगा, जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने की वाली नेकी अपना नाम बतलाया। तो ओ खुदा तो मेरी मदद कर, आमीन बोलकर बोल रहे हैं। बस आए मेरे प्यारे नौजवानों को बोल रहे हैं हम वतन, और हम बस आए मेरे प्यारे नौजवान हम वतनों, और आए मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बूढ़े की तरह जो है ना पछताओ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? तो अपने वतनों को और कौम को और कौम की भलाई को कुछ काम करो जिससे वतन बूढ़ा करे सर का मत करो, बोलकर बोल रहे हैं हमारा ज़माना तो आखिर है, अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन होगा, सर सैद अहमद खां बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए मुश्किल अल्फाज क्या है बोलकर देखिए, लफ्ज़ मानी मकतब यानी कि मदरसा, कच खुलखी मिजाज का कड़वापन रूखापन, मिजाज का कड़वापन और रूखापन को कच
خلقی کہتے ہیں. اور بیعت کرنا مطلب کیا ہے؟ مرید بننا، اطاعت کا عہد کر لینا. تسخیر مطلب کیا ہے؟ خوابوں میں کرنا، فتح کرنا. اور بدوی مطلب کیا ہے؟ عرب کے باشندے کیا کرتے تھے؟ عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے تھے، انہوں ریگستانوں میں رہتے تھے اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر ہی یا خیمے میں گزارتے تھے. تو واللہ لا عزید واللہ انفع ان خاص، یہ معنی بول تم لی تھی نا، جو کہ عربی فقرہ ہے، عربی کا فقرہ ہے. خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم، اس کا معنی ہے خدا کی قسم جو ہے نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم. بول کر صحیح مطلب کوشش، سائی مطلب جو ہے کوشش کرنے والے کو سائی کہتے ہیں، صحیح آ کر کوشش. سائی مطلب جو ہے کوشش کرنے والا. مبنی آگنے کی منحصر، پشمینہ نہ تو شرمندہ کہ پچھتانے والے کو کہتے ہیں. تو یہ تھا آپ کو گزرا ہوا زمانے کی کہانی اور سید احمد خان کی زندگی کا حالات. تو اس کے بعد جو ہے دوسرا سبق کون سا ہے اس میں دیکھتے ہیں اب. چلیے دوسرا سبق بھی دیکھتے ہیں. ڈیٹیلز میں تو رشید احمد صدیقی تو پہلے 1896 میں پیدا ہوئے، 1970 میں ان کی وفات ہوئی. رشید احمد صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ اتر پردیش کے شہر جونپور کے قصبے میں پیدا ہوئے. جونپور کے ایک علاقہ ہے جو کہ قصبے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے جونپور میں حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. ایم اے کرنے کے بعد جو ہے وہیں ملازم ہو گئے. کہاں ملازم ہو گئے؟ وہ ایم اے کرنے کے بعد وہیں ملازم ہو گئے. جب علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے. تو رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے. کس کے صدر بنائے گئے؟ یونیورسٹی کے. انہیں علی گڑھ بہت عزیز تھا. اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہیں گزاری. اور رشید احمد صدیقی جو ہے طالب علمی کے زمانے ہی سے جو ہے لکھنا شروع کر دیا تھا. رشید احمد صدیقی نے طالب علم یعنی کہ جب پڑھتے وقت ہی اسٹوڈنٹ تھے جب سے جو ہے لکھنا شروع کر دیا تھا. ان کے مضامین جو ہے طنز اور ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں. وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چھپتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں. تو ملتے جلتے جو بھی لفظوں اور متضاد لفظوں کو وہ ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ان کے موضوعات میں کیا ہے تنوع ہے. معاشرتی، سیاسی اور ادبی مسائل پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے طرز تحریر کو سمجھنے والا قاری ان کو نقطہ راسی کے داد دے بغیر نہیں رہتا. ان کے یہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں اور برجستہ لطیفوں اور پر لطف انداز بیان کی وجہ سے نرالی ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے. رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں اہم ترین مصنف قرار دیا جاتا ہے. ان دنوں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین نمائندے ہیں. رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں
जो है पद्मश्री 1963 में क्या करें, इन्हें पद्मश्री का एजाज अता किया है। पद्मश्री का एजाज जो है अता किया है। इनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया है। इनको क्या करें, साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी जो है सरफराज किया गया। इनका इंतकाल जो है अलीगढ़ में हुआ। इनका इंतकाल कहाँ हुआ, अलीगढ़ में हुआ। मजामीन रशीद, इनका क्या है, मजामीन रशीद, मजाही मजामीन का मजमू है। मजाही मजामीन का मजमू टेट में एक बार पूछा गया था कि मजामीन रशीद क्या है बोलकर, जो कि मजाही मजामीन का मजमू है। खंदा यानी कि रेडियाई तहरीरों का मजमू जो है क्या है, खंदा। गुंजहाय ग्रामाया हम निस्वाने रफ्ता का जो के खाकों के मजमे का नाम है वो। गुंजहाय ग्रामाय और हम निस्वाने रफ्ता जो है खाकों के मजमे का नाम है। तंजियात व मजाहिकात और जदीद गज़ल जो है तनखीद और आशफ्ता बयानी मेरी खुद नोश्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के अहम तसानीफ़े हैं। ये सारे के सारे क्या है, अहम तसानीफ़े हैं। मजामीन रशीद, खंदा, कुंज हाय ग्राम आए, हम निफसान रफ्ता, तंजियात मजाहिकात और जदीद गज़ल आशफ्ता बयानी मेरी और रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़े हैं ये सारे के सारे। जो और इसको लिखने वाले शायर कौन है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना। चारपाई जो हम हिंदुस्तानियों का क्या है, ओढ़ना हो बिछोना हो चारपाई में करते हैं। हम इस पर पैदा होते हैं, हम इस पर जो है पैदा होते हैं। और यही से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने की काउंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी क्या बन गई है, हमारी घुट्टी घुटी में पड़ी हुई है। दुआ भी मांगते हैं और भीख भी मांगते हैं, दवा भी खाते हैं। होकर बोल रहे हैं चारपाई के बारे में, बोल रहे हैं कभी फिक्रे सुकून करते हैं और कभी फिक्रे गम अक्सर फाखा करने से भी बास नहीं आते। कभी फिक्र सुकून भी करती हैं और कभी फाखा करने से भी बास नहीं आते। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बर्तानिया को आई सी एस पर। शायर जो है अब आई सी एस को अब जो है इंडियन पब्लिक सर्विस, तालिब इल्म को गुल गुबाड़े पर और शायर को क्या है, काफ़िए पर जो है क्या करने के वास्ते। और चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामजो होता है इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहेब वलादियत पास होकर जो है होकर आए, रियासत में कोई आसामी ना थी। तो एक जो है रियासत में क्या करे, साहेब वलादियत पास होकर आए यानी कि अपना इम्तिहान जो है पास होकर आए, तो आसामी नहीं थी। आसामी मतलब नौकरी नहीं थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सोच बूझ के थे। राजा साहब जो है के कानों तक ये बात पहुंचा दी गई कि कोई जगह ना मिली तो वो लाट साहब से तय कर आए हैं।
लाट साहब से जो है तय करके आए हैं। राजा साहब जो है ही की जगह पर इक्तफा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए थे, तो रुखसत पर जाने की वजह से जो है क्या हुआ, उनको जो है अपॉइंटमेंट दे डाले, ये इनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। वो कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर जो है साहब पर फालिश गिरा। तो इंजीनियर करेसर साहब अब जो बैठे हैं नौकरी पर, उनके ऊपर क्या हुआ, फालिश गिरा। इसकी जगह उनको दे दी गई थी। किसकी जगह, वो राजा साहब की जगह। आखिरी ये बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। यही हालत जो है चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। तो ये मुलाजिमत का समझाने का मकसद क्या है, मतलब यही चारपाई जो है हमें बहुत काम आती है, वो इन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बीमार हैं, तो सफ़र आखिरत का सामान जो है मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं है। तो चलिए, दवा की पुड़िया तकिए के नीचे जोशांदे की देत की जो है सराहने रखी हुई। तो चारपाई से मिला हुआ बोल मतलब क्या है, पेशाब का जो करते हैं उसका बोल बोलकर चारपाई से मिला हुआ बोल, वो बराज यानी कि पैखाना करते सो बर्तन। बराज मतलब क्या है, पैखाना करते सो बर्तन, बोल बराज का बर्तन। और चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशे जू रूई के फाले, कागज़ के टुकड़े, मच्छर भींगे। घर या मोहल्ले के दो या एक बच्चे मोहल्ले के दो या दो ही एक बच्चे हैं, जिनमें एक आधा जुकाम में मुबतला है। उन्हें अच्छे होंगे तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुसल कर दिया, वरना आपसे दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गौर लाएंगे। तो इसकी मानी देखते हैं बाद में हम। तो पहले देखिए, हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम सोने का कमरा, गुसलखाना, खिला और खानखाहा, खीमा, दवाखाना, संदो, किताब घर, शिफाखाना सबकी हैसियत कभी कभी बाएक वक्त जो है और वरना वक्त वक्त पर हासिल करती है। कोई मेहमान आया तो चारपाई निकाली गई, इस पर एक नई दरी बिछा दी गई, जिसके तह के निशान जो है ऐसे मालूम होंगे कि जैसे किसी छोटी सी आरजी को मेंढुओं और नालियों से बहुत से मुल्कों में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब माए उचकन टोपी बैग
बगची के बेटे गए और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई ही पर उनका मुँह हाथ धो धुलवाया और खाना खिलाया खिलाएगा और इसी चारपाई पर ये सो रहे हैं सो रहेंगे। सो जाने के बाद इन पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ी जाएंगी जैसे कोई फिरे वाला अपने खवांचे पर से झाड़ू नुमा मोर्चल से मक्खियां उड़ा रहा है। तो पुराने ज़माने में जो है घर इतना छोटा था कि बैठने के लिए भी जो है जगह नहीं रहती थी, तो एक ही कमरे में जो है सब लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो है चारपाई बिछा दी जाती थी। तो चारपाई पर ही जो है खाना पीना सोना बैठना हगना मुदना सब करते थे होगा बोल रहे से लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया महल्ले करती दाने चुनती और गलियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छिले जाएंगे। मुलाजिमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजिमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। इसी तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंच जाती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान जो है प्याज हटाकर उस खुसर खाकसर को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उस काल को कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया। प्याज इस रात को मुझ पर आसमान इतने ही तबख रोशन हो गए थे जितने सारे प्याजों में छिलके थे। वो यकीनन 14 से ज़्यादा थे। यकीनन कितने थे? 14 से ज़्यादा थे। तो चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। बक्से का मतलब तकिए के नीचे जो है हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आप उसके सिवा कोई वक्फ नहीं होता। एक आधा रुपया चंद ढेले पैसे और स्टेशनरी किताबें रिसाले झाड़े के कपड़े थोड़ा बहुत नाश्ता नक्शे सुलेमानी फहरिस्त दवाखाना समन जाली दस्तावेज के कुछ मुसवदे ये सब जो है चारपाई में आबाद मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा उस शहद के साथ जो है आँख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में जो है बस में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। ख़ानदान के कर्ता धर्ता जो है चारपाई पर बराजमान होते हैं वही से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं। गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा में हाथ पांव, जबान के अलावा डंडा जूता
तम लोट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तखुफ करने में गुस्सा का तमोद हम ना बढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। और इन आलात को मजरूम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ जो है 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियां, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियां पहुंची हैं। सब अपने करीब खिरने से बैठ गए हैं। साहब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज्यादा खाने पर खाता है तो दूसरा वह बदतमीज से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बाकिया उस पर के उनको मक्खियाँ खाए जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शोहर को बदज़बानी सुनती है और बदतमीजी सहती जाती है। खाना ख़त्म हुआ, शोहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्रे सुकून में चारपाई पर ही लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो उसी तरह जान लेकर भाग गए जैसे घर में आग लगी है। और कोई मजहबी आदमी हो तो हुए तो अल्लाह की याद में खिलौला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमदन और माशरत, ज़रूरत और ऐजाद का सबसे भरपूर नमूना है। तो और भी है आगे तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानंद ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसरो सामान लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुकुमरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फ्राहम करने के लिए आमदा कोच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के आसिर इस राहत व आफियत के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शायर ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं। मसलन सच्चे दोस्त जो है शराफत, फरागत और गोशे चमन हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐश व फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लाजम को पूरा कर सकती है। रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ सबक है। तो फिक्र सुकून मतलब क्या है, मानी देखिए अब इसमें लफ्ज़ वो मानी शेर कहने की कोशिश करना। ICS मतलब क्या है, देखिए इंडियन सिविल सर्विस जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की इंतज़ामी मुलाजमत की सर्विस जैसे अब जो है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। अब हमें IAS कहते हैं ना, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। तो गल गपाटे देखिए शोरगुल करना आसामी मतलब नौकरी। तो उसके बाद इक्तफा करना, खिनात करना या मुतमईन रहना जो है खिनात करना अब नया वर्ड है तो मुतमईन करना भी पुराना है। तो दो भी याद रखिए, इक्तफा मतलब क्या है, खिनात करना।
मसाहिब मतलब दरबारी, मसाहिब का क्या है, दरबारी है। तो बोल मतलब क्या है, देखिए बोल पेशाब है और बराज मतलब पैखाना है। तो पस पन सात मतलब पांच सात या तलफ़ बोल चाल, बोल चाल के लहजे या बेतकल्लुफ़ तहरीर में इस्तेमाल होता है। पांच सात ये तलफ़ बोल चाल के लहजे या तकलीफ तहरीर में इस्तेमाल होता है। तो चौथा तबक रोशन होना, चौथा तबक रोशन होना, तो चौदह तबक के मानी है सात ज़मीन, सात ज़मीन, ज़मीन सात ज़मीन को ज़मीन सात आसमान। और मुराद जो है दिमाग या तबीयत का खूब खुल जाना, जाज में पूरी तरह बहाली सारी बहाली आ जाना। और जो है आशे आशे जो आशे जो दे जो जो का जोश जो का जो का जोश दिया हवा पानी जो कमज़ोर मरीजों को दिया जाता है, जो का पानी दिया जाता है ना कमज़ोर मरीजों को, जो के उसके बारे में आशे जो कहते हैं। लबे लबे गौर यानी कि लबे गौर मनने के करीब, लफ्ज़ के करीब आ जाता है। तो जब बोलते हैं तो इसमें आरजी अराजी आराजी जो कि ज़मीन खेत को कहते हैं, आराजी सुबुकदोश मतलब फ़रोग करना, और नक्शे सुलेमानी मतलब क्या है, कोई तावीज़ या दुआ, इल्मियात अमलियात की मशहूर किताब। नक्शे सुलेमानी मतलब कोई तावीज़ या दुआ अमलियात की मशहूर किताब में से लिख कर देते हैं दिन। वो तमलोट देखिए बगैर टूटी टूटी का लोटा, बगैर टूटी का लोटा जो कि डोंगा डोंगा भी बोलती हैं उसे, ऐसा डोंगे के सरकार था। सामान सामान वाले तो अंग्रेजी सोमन, समन अदालत, अंग्रेजी समन अदालत में हाजिर होने का तहरीर हुक्मनामा। और जो है खिलोलो की लोलहा खिलोलहा दोपहर के खाने के बाद की मुख्तसर नींद को खिलोला कहते हैं। तो ये था आपके गौर करने की बात में क्या दिया गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार जो उर्दू के मारूफ इंशा निगारों में भी होता है। इनकी तंज ज़राफ़त का आला नमूना है। वो आम तौर पर अपनी तहरीरों में सियासी माशरती और अदबी मसाइल का जिक्र करते हैं, और इनको दिलचस्प बनाने के लिए जो है नादिर तशबीहात, मुताज़ाद अल्फाज और रमेज़ो इशारे की से काम लेते हैं। इनके तंज का वार जो है भी भरपूर होता है। तो यहाँ तक है ये आपके निसाब में जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी और उनका सबक। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।